नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस समय सभी लोगों के बीच में एक्सपोज हो चुकी है दामनी, और दामनी के एक्सपोज होने के तुरंत ही बाद में सभी लोग बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि दामनी और दामनी की माँ कावेरी से ये उम्मीद नहीं थी कि तुलसी को इस तरीका से मार के और एक गड्ढे में दावेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही एक नया राज ओपन होने के बाद में पूरी तरीका से कहानी में चेंज होता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि राधा ने पहले ही बोल दिया था कि हो कुछ भी जाए, अगर हमारी जान खतरे में भी है तो भी हम फिर भी दामनी की सच्चाई, काली सच्चाई सभी लोगों के सामने लाकर ही छोड़ेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं, और कन्फ्यूजन की स्थिति में कैसे हैं ये भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर। आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार सभी लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि जहाँ पर बात की जाए राधा की, तो राधा ने बोल दिया था कि दामनी ने जैसे तुलसी जी का मर्डर किया था वैसे ही ये हमारा मर्डर करने की फिराक में थी, जिसके बाद में दामनी खुद अपने मुँह से सच्चाई उगलती हुई नज़र आने वाली है, और सच्चाई उगलने के बाद में सीधा सीधा टारगेट कुछ और नहीं है, बल्कि इस समय सीधा टारगेट जो होगा वो कुछ और नहीं है, सीधा दामनी को जेल में पहुंचाने का टारगेट है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं, और परेशान भी वैसे नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए है कि दामनी इस घर में ही खाते हुए और इस घर के ही लोगों को मारते हुए नज़र आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाली कहानी के लिए आप अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें तुरंत ज़रूर बताइए कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, और आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद।